शिवपुरी के वार्ड नंबर 36 में 150 से अधिक घरों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। वहीं कनेक्शन 4 दिन पहले काटे गए हैं और कॉलोनी में अंधेरा पसरा हुआ है। जिन घरों के कनेक्शन काटे गए हैं उनमें से अधिकांश लोगों के बिल भी जमा हैं। कॉलोनी वालों ने बताया कि इस संबंध में सहायक यंत्री से बात की गई तो उनका कहना है कि 76 लाख बिल बकाया है, उसे जमा करना पड़ेगा, उसके बाद लाइट जुड़ पाएगी। वार्ड वासियों ने बताया कि सुबह की कटौती से अत्यधिक परेशान है और बिजली विभाग ने स्थायी रूप से कनेक्शन काट दिए हैं। वार्ड के सभी लोगों को औसत खपत के बिल दिए जा रहे हैं और जिन लोगों की बिल जमा नहीं है उनके साथ साथ जिनके बिल जमा है उनके कनेक्शन भी काट दिए हैं। वार्ड में गरीब लोगों को इस तरह से राशि के औसत बिल दिए जाएंगे तो वह कहां से जमा करेंगे? बिल रीडिंग के अनुसार ना आने से जनता परेशान है। ऐसे में समस्त कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर को आवेदन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। मुनु नामदेव, शिवपुरी। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी गुर्जर है, पार्षद हूं वार्ड 36 से। मेरे वार्ड में 150 कनेक्शन है, 8 बार हम बिल्डिंग डीपी के यहाँ से, वो डीपी को पूरा बंद कर रखा है इन लोगों ने 4 दिन से। जब मुझे मेरे दादाजी शांत हो गए थे तो मैं जब गांव था, मेरे वार्ड वालों ने मुझे फोन पर सूचना लगी तो 2 दिन से मैं आ नहीं पाया था। 2 दिन से बेचारे अंधेरे में अभी तक, बल्कि 150 घरों का बिल जमा होने के बाद भी उनके साथ जिनका बिल जमा नहीं उनको भी अंधेरे में कर रखा है इन लोगों ने। कई बच्चियां बेचारी पढ़ने वाली है, उनका फोन आया, भैया मैं इस चनों की तैयारी कर रही हूँ, भैया मैं ग्वालियर से यहाँ पढ़ने आई हूँ, भैया मेरा वहाँ फॉर्म डाला है, लाइट नहीं आ रही, हम परेशान है, हमारा बिल जमा है। हमें ऐसी सजा क्यों दी जा रही है? जिन लोगों का बिल जमा उनको सजा क्यों दी जा रही है? बंद करने का कारण ये क्या? मैंने इस साहब को फोन लगाया, मैं इस साहब मेरे वार्ड की लाइट क्यों काट दी आपने? तो बोले आप 76 लाख रुपए भर दो, आपकी उस डीपी से लाइट काटी, उस डीपी पे 76 लाख रुपए बकाया है। तो मैं आप कैसे बात कर रहा हूँ? 76 लाख बकाया है तो मैंने कि लोगों तो बोलो, मैं आपके साथ जागरूक करूंगा लोगों को बिल भरने के लिए। बोले हीटर चलाते इसलिए लाइट काट दी। मैं हीटर चलाते उनको कार्रवाई करो, आप उनसे उन पर कार्रवाई करो, हीटर को खींचो, लाइट काटो उनकी। पर जो बिल जमा कर रहे हैं बेचारे उन पर क्यों कार्रवाई कर रहे हो आप? उनको क्यों अंधेरे रखे हुए? तो पूरा बाढ़ के लोग जो इनके बिल जमा उनको मैं लेके आया हूँ। इनमें कोई नहीं है जिनका बिल जमा नहीं है, वो नहीं आया हो जान, जिनके बिल जमा वो सारे लोग आए हुए हैं मेरे पास। मैं आई साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा वार्ड अंधेरे में है और मेरे वार्ड को हमेशा हर वर्ग मेरे वार्ड को गांव की दृष्टि देख दी है, गांव की दृष्टि देख के अंधेरे में कर दिए थे। गांव की दृष्टि को देख के साफ सफाई नहीं होती, गांव की दृष्टि में देख के मतलब नाली साफ नहीं होती, ये सारी चीजें मेरे वार्ड में ही होती है, हमेशा पता नहीं क्यों होती है। अच्छा, ऐसे कुछ है आपके बारे में मतलब कि जिनकी खपत कम है लेकिन ओवर ज्यादा बिल आया है? हाँ, बहुत से लोग हैं, एवरेज बिल नाप रहे हैं। बेचारी एक अम्मा है, आई नहीं है, आई नहीं भाई बुजुर्ग है, 10,000 एक बल्ब का, एक महीने का 10,000 बिल कुछ देता है? वो अम्मा को मैं लेके आऊंगा, उनको आवेदन दिलवाऊंगा। 10,000 एक अम्मा है बेचारी, ना उनका लड़का है ना कोई नहीं है, एक बल्ब जलाती है, ना कि फ्रिज है, ना वॉशिंग मशीन है, कुछ नहीं उनके पास, फिर भी 10,000 रुपए। बोले बेटा मैं आप कहाँ से भर दूँ इसको, बताओ? मैं खुद 6-6 रुपये पेंशन मिल रही है, अपनी रोटी खाना पूर्ति कर रहा हूँ मैं। कोई अमन मर्जी के बिल दे रहे हैं 8-8,800 900 3-3,000 4-4 जिनका मर्जी आओ बिल दे दे। मीटर नहीं है उन पे हीटर चला रहे हैं, और दो के जो कनेक्शन है बाढ़ गाँव 36 चक्कियों के उनको भी काट दिए गए, वो बिल्कुल सरल रूप से हर महीने बिल जमा कर रहे हैं बेचारे। ये बेचारे इनका एन का हर महीने बिल जमा होता है चक्की का। लाइट अगर ये नहीं तोड़ते हैं फिर आप लोग, मैं रुकता आंदोलन करूंगा, भूखा कल बैठूंगा, अंचल में बैठूंगा, कलेक्टर के सामने टेंट लगा के बैठूंगा। मेरे मेरे वार्ड वासियों का एक दो दिन में आवाज़ लाइट नहीं देते हैं तो भूखा हड़ताल पर अंचल में बैठ जाऊंगा।